हेलो गाइस, आपका भाई सलमान हाजिर है वापस न्यू वीडियो के साथ में। और कैमरे पे अपने पवन भाई है, क्योंकि राधे भाई को आज कुछ काम था तो वहाँ पे गए हुए हैं, तो पवन भाई को लेके आया हूँ आज। और पहुँच चुका हूँ अजमेर के पास, 19 किलोमीटर आगे एक पुरानी पाठशाला है जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ की स्टोरी मैं आपको चलते चलते बताऊँगा कि इसकी क्या स्टोरी है और क्या नहीं, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। हेलो पवन भाई, सबसे पहले गाइस मैं आपको इसके चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये लोकेशन समझ में आए कि कैसी है और कैसी नहीं। तो कौन भी आ गया जो स्टोरी क्या है, आपको पता है कि पुराने टाइम के अंदर स्कूल नहीं होती थी, तो गुरुकुल के अंदर जो राजवंश घराने से होते थे उनको कौन भी आवाज आई यार, शायद मुझे भी आई यार आई। किसी चीज की आवाज आ रही है, इसकी स्टोरी बताऊंगा दोस्तों मैं आपको कि इसकी हिस्टोरी क्या है। पुराने टाइम में आपको पता है कि स्कूल वगैरह नहीं होती थी, तो ऐसे पाठशाला होती थी, गुरुकुल होता था जहाँ पे राजवंश घराने के किसी की आवाज आ रही है, जो राजवंश घराने से होते थे उनकी पढ़ाई गुरुकुल के अंदर होती थी, उनको जो आचार्य होता था उनकी तरह ज्ञान दिया जाता था हर चीज का। तो उस टाइम में हुआ कुछ यूं था कि आपको पता है कि पुराने टाइम में डेढ़ सौ साल पुराना ये गुरुकुल है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अंदर से आ रही है। दोस्तों मुझे आने से पहले भी यहाँ पे कुछ दिखा था, कुछ आवाज हुआ था अजीब सी चीज का, बट उस टाइम कैमरा स्टोरी बता देता हूँ एक बार। उस टाइम में क्या है कि आपको पता है कि राजा महाराजा के टाइम में आपस में विवाद चलता था, तो जो पुराने टाइम में राजवंश के जो थे, जो उनके लड़के जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए आते थे, तो उनके आपस में पता नहीं किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तो आपको पता है उस टाइम के अंदर हर मतलब जो राजा का जो लड़का होता था उसके पास में तलवार या कटार वगैरह कुछ होती थी, तो उनके बीच में क्या है, लड़े होने के बाद में एक लड़के ने उसके पेट में वो कटार आर पार डाल दी, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। हैंडस्टैंड आवाज आ रही है, भयंकर आवाज आ रही है। अरे भाई लोगों को स्टोरी बता देता हूँ यार, वैसे बोलते हैं कि यार स्टोरी देखे एक बार बात एक मिनट। उसके बाद में उसकी डेथ हो गई और कहा जाता है कि उसके बाद में उसकी स्पिरिट
कौन है? बाहर आओ यार। तभी से लोगों का मानना है कि उसकी स्पिरिट यहीं पे घूमती है, और कई बार लोगों ने इसको नोटिस भी किया गया है। और ये लोकेशन जिस भाई की है, ये जगह जिस भाई के अंडर में है, उस भाई को मैंने फोर्स किया था यहाँ आने के लिए, बट उसने साफ साफ मना कर दिया कि वीडियो शूट करो आप, लेकिन आपकी जान और माल की हानि आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है, आप मेरे को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। तो खुद के रिस्क पे हम दोनों भाई यहाँ पे आए। फिलहाल आते आते मुझे भी जब कैमरा इधर आया, कौन है यहाँ पे? छः बजे बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं आता। उस बंदे ने साफ कहा था कि आप मुझे अभी जाने के लिए बोल रहे हो, मैं 6 बजे के बाद में वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ। यहाँ पे जो खेतीबाड़ी करता है किसान, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं इसको बंद हुए, और आपने अंदर की जो कंडीशन है वो देख भी ली होगी। एक अजीब सा एहसास में मुझे हो रहा है, आवाज़ें आ रही है रेगुलर, बट अभी तक दिखा कुछ नहीं है। एक ये इमली का पेड़ आप देख रहे हो, एक बार फोन को ऊपर से देख लो। कौन है? अंदर से आओ, अंदर से आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। हर तरफ नीचे से भी देख लो आप एक बार, कौन भाई नीचे से भी कैमरा करके दिखाओ भाई को। मेरे हिसाब से दोस्तों इसको 2 साल तो हो चुके होंगे बनाए हुए। भाई अचानक से हवा अच्छा होती है, जब दोस्तों यहाँ पे हम एंटर हुए थे ना तो हवा का बिल्कुल भी झोंका नहीं चल रहा था। कभी बाहर से आवाज आ रही है, कभी अंदर से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई, आराम से यार। वो आवाज आ रही है, ये कैसे? किसकी आवाज है? इधर यार, किसी पुरानी से आवाज आई, जैसे इधर से कोई दौड़ के इधर गया हो। लगातार आवाज आ रही है भाई यार, जब मैं बाहर जाता हूँ तो अंदर से आवाज आती है, अंदर जाता हूँ तो बाहर से आवाज आती है। कोई है यहाँ पे? एक बार ये वाला कोई लोग इसकी ऊपर की लोकेशन अगर देखोगे दोस्तों आप तो भाई बहुत भयंकर आवाज है यार, तो बहुत ही भयंकर तरीके की आवाज है ये, किसी की चिल्ला नहीं ऐसी। अगर इसकी ऊपर की लोकेशन देख लोगे ना हर जगह सर चक्कर आ जाएगा आपका। हाँ कैमरा आगे लगो जाता, कैमरा आगे इधर हो, थोड़ा बच्चा ना इधर। इधर आओ, इधर
जब मैं बाहर आता हूँ तो अंदर से आवाज़ें आ रही है, कभी ऊपर से आवाज़ें आ रही है। दोस्तों, इस इमली के पेड़ के बारे में बात कर रहा था तो आपको पता होगा, ऊपर लगातार आवाज आ रही है। ये इमली का पेड़ है, इसको और भी ज्यादा डरावना बनाता है। इसकी एक बार पौन में ऊपर से जो दिखाते हैं नीचे, फिर वहां पे चलते हैं अपन, ऊपर जाके दिखाते हैं ऊपर क्या है ऐसी चीज जो आवाज कर रही है भयंकर तरीके से। कौन है ऊपर? कुछ ना कुछ तो है यार ऊपर, कुछ भी कह फोन भाई, कुछ भी कहो। वैसे दोस्तों, ऊपर जाने की मेरी हिम्मत हो नहीं रही है, बट भाइयों के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या है ऐसी चीज़ जो बार बार इतनी भयंकर तरीके से आवाज़ कर रही है? क्योंकि गए वीडियो में जो मेरे साथ नहीं हुआ था, अभी तक वो माइंड से निकला नहीं है, और उस टाइम मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बहुत हिम्मत करके आपका भाई वापस आया है। तो यार, जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पवन भाई, अब ऊपर चलना पड़ेगा अपने को, धीरे बिल्कुल। धीरे धीरे आना, कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? पकड़ो, पहले मैं ऊपर जाता हूँ, फिर आप ऊपर आना भाई, ठीक है? क्योंकि आपकी फैमिली वालों को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। ओके, मैं कहूँ तो ऊपर आना, ठीक है? भाई सलमान, सलमान भाई उठो, क्या हुआ भाई? उठ सलमान भाई, उठ भाई, भाई क्या हुआ? उठ भाई, भाई उठ सलमान, उठ जा।